दुनिया भर में एक से एक खूबसूरत मस्जिद है, मगर मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल काबा को माना जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और उन्होंने बिना हिचकिचाहट कुर्बानी दे दी। हालांकि खुदा ने उसके बेटे को तुम्बा से बदल दिया, जो बकरे की प्रजाति का एक जानवर होता है। इससे इब्राहिम के बेटे को कुर्बानी नहीं हुई। खुदा ने इब्राहिम और इस्माइल को अपने पैगंबर बना लिया और उनसे अपने लिए एक घर बनवाया, जो काबा कहलाता है। कुरान में बताया गया है कि मक्का में स्थित काबा जैसा ही एक काबा जन्नत में भी है, जहां 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। काबा के इसी मान्यता के कारण इसे खुदा का घर भी कहा जाता है। आज काबा की पहचान बने काले रंग की जगह कभी हरे, लाल और सफेद रंग भी लिए थे, तो काले रंग पर सुनहरी पट्टी के बिना इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शुरुआत में काबा का आकार रेक्टेंगुलर तय किया गया था, लेकिन उसके निर्माण में लगी जाने वाली राशि केवल पवित्र स्रोत से ही आ सकती थी। गलत काम से आई धन इस्तेमाल मना किया गया था, जिसके बाद आकार को छोटा कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि काबा का काला पत्थर एक इस्माइली समूह द्वारा चुरा लिया गया था, और जब उनसे वो वापस हासिल किया गया तो वो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। कहते हैं कि आज भी कुछ हिस्से पाए नहीं जा सके। काबा की चाबियां बन्नी साहिबा परिवार के पास रहती है, और चाहे कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, काबा में दाखिल होने के लिए इनसे इजाजत लेनी ही पड़ती है। और सनातनियों का भी मानना एक ऐसा है कि वहां पे भगवान शिव जी का पवित्र शिवलिंग स्थापित है, जो कि मुसलमानों कभी मान नहीं पाते।